आपको बताने वाले हैं अपने पूरे गांव का रिपब्लिक डे। आज हम लोग जा रहे हैं झंडा फहराने, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। आपको बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस और थाना और क्या बोलते हैं इसको पिकेट में आज पूरे हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं आगे आपको, तो वीडियो में बने रहें। आइए आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, और हम लोग निकल रहे हैं रिपब्लिक डे मनाने के लिए अपने स्कूल कॉलेज की तरफ। ये हमारे घर का बगल में, आज इसी गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा भाई है। तो हम लोग निकल चुके हैं फाइनली, ये हमारा मोहल्ला। ये देखिए बकरी वगैरह अलग हुआ है दोस्तों। हम आ चुके हैं अपने गांव के हाई स्कूल के पास, ठीक है। ये मेरे गांव का हाई स्कूल है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहां पे जस्ट शमशान घाट है हाई स्कूल में, देखिए इस तरह से है हाई स्कूल। यहां पे कब्रिस्तान है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारे गांव का नदी है जिसको छोटा सा नाला भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा पानी, ये देखिए हमारे गांव का पूरे भूत, ये देखिए पूरा परसा का पेड़ है। यहाँ पे परसा का पेड़ बहुत ज्यादा है दोस्तों, हमारे गांव में बहुत ज्यादा, हर एक तरफ आपको मिलेगा परसा का पेड़। और ये देखिए आपको यहाँ पे दिखा दे आपको, ये यहाँ पे है खड घाट है दोस्तों। ये छोटा सा नाला भी है यहाँ पे, देख सकते हैं जैसा की यहाँ पे आपको छोटा नाला भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से लोग छठ मनाते हैं यहाँ पे। और हम लोग का ये गांव का छोटा सा स्कूल है, यहाँ पे जस्ट हाई स्कूल है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। और यहाँ जब स्कूल बन रहा था यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग ने आपको नाम लिखे हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए मेरा नाम लिखा हुआ एम डी मोबिन आलम, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना दोस्तों, एम डी मोबिन आलम लिखा हुआ है। जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम का है दोस्तों, ये कब का है, 8/9/2007 का है दोस्तों। 2007 में जब हम लोग पढ़ने आते थे उस टाइम ये पुल बन रहा था, उस टाइम हम लोग अपना नाम यहाँ पे लिख के रखे हैं दोस्तों। हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे दोस्तों, अभी हम हाई स्कूल आए हुए थे झंडा फहराने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट है जिसके कारण से हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए हाई स्कूल है तरह से देख सकते, जैसा कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट है, पे लेट है जिसके कारण से हम जा रहे हैं हरैया टाड़ पिकेट के तरफ। हाई स्कूल में अभी झंडा फहराने बहुत ज़्यादा लेट है, ये देखिए। बच्चे लोग अभी इंतज़ार में खड़े हैं दोस्तों, निकलते हैं दूसरा तरफ, ठीक है, कोई दूसरा स्कूल का दिखाते हैं। तो बच्चे लोग अभी जा ही रहे हैं टोपी पहन पहन के, देख सकते जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए हमारे गांव का किस तरह से है, यहाँ देखिए मंदिर है शिव मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर हमारे गांव का। यहाँ पे दुकान है, बच्चे लोग सामान खरीद रहे हैं। और यहाँ पे सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है जो कि दुर्गा मंडप में दोस्तों, देख सकते जैसा कि आराम से चल रहे यार दोस्तों। ये गांव का देखिए, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं स्कूल झंडा फहराने के लिए। और ये मेरे गांव का छोटा सा तालाब जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मछली निकलता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और ये रोड देखिए किस तरह से रोड है, ये देखिए बहुत ऊँचा में रोड है दोस्तों। यहाँ पर जस्ट बगल में यहाँ पे मुरपा चौक है, हमारे गाँव का ये चौक चौराहा है दोस्तों। देखिए 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 हमारा चौक खुल चुका है, यहाँ पे ऑटो वगैरह लगा हुआ है। अभी हम झंडा खरीदेंगे और निकलेंगे यहाँ से, सभी दुकान खुल चुका है लेकिन मेरा दुकान बंद है दोस्तों। दोस्तों हर तरफ शोर शराबा है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं दुकान में झंडा खरीदने के लिए, जो कि झंडा फहराएंगे आज हम लोग बहुत ही ऊँचे जगह में, चोटी में जाके, ठीक है। सब लोग स्कूल कॉलेज में झंडा फहरा रहे हैं लेकिन आज हम दोस्तों हम दुकान में आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए झंडा, अभी इस वाला झंडा को हम खरीद रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दुकानदार है।
आज हम लोग का 26 जनवरी मनाने का बहुत शौक है, तो आज हम लोग बहुत ऊंचे जगह में जाके पहाड़ के चोटी में जाकर झंडा फहराएंगे दोस्तों। मुरपा चौक है जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आज यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क लगा हुआ है जो कि BSNL का है दोस्तों। रजीबुल का दुकान है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं। ये कैसा दुकान है रजीबुल का दोस्तों? ये देखिए मुरपा पिकेट यहाँ पे आज झंडा फहराएगा। देखिए अभी झंडे का तैयारी चल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुरपा पिकेट, जो कि है पेट्रोल टंकी। फिलहाल अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल डलवाया जी, हो गया। चलो पेट्रोल डला चुका है दोस्तों, अब हम निकलते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम आ चुके हैं हरैया टाँड़ के पिकेट में दोस्तों। यहाँ पे आज यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क लगा हुआ है जो कि BSNL का है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं आज आ चुके हैं हम यहाँ पे पिकेट के पास, और यहाँ भी आज झंडा फहराने का फुल तैयारियाँ हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहीं पे आज हम झंडा फहराने का एक दिखाएंगे कि यहाँ पे झंडा कैसे फहराया जाता है, और मैं खुद भी एक बहुत अच्छे जगह जाके आज झंडा फहराऊँगा दोस्तों। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ जस्ट पेट्रोल पम्प भी है, देख सकते हैं। सुबह का वक्त है, बिल्कुल कोहरा टाइप का मौसम है, और ये रजीबुल का दुकान है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं। ये कैसा दुकान है रजीबुल का दोस्तों? ये देखिए मुरपा पिकेट यहाँ पे आज झंडा फहराएगा। देखिए अभी झंडे का तैयारी चल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुरपा पिकेट, जो कि है पेट्रोल टंकी। फिलहाल अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल डलवाया जी, हो गया। चलो पेट्रोल डला चुका है दोस्तों, अब हम निकलते हैं आगे। ताकि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, तो अभी हम चलते हैं दूसरे तरफ। ये देख के मेरे गांव का बिजली स्टेशन दोस्तों, अभी गाड़ी में चल रहा था इसलिए थोड़ा सा बिगड़ गया दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में दो पेट्रोल टंकी अभी हम लोग तेल भरवा लिए हैं, और अभी निकल रहे हैं फाइनली दोस्तों। आज हम आ चुके हैं अपने गांव के बिजली स्टेशन के आसपास, और अभी वहां जा रहे हैं नाले में। बहुत बड़ा नाला जो कि पहाड़ भी है वहां पे दोस्तों। अगर हमारा फोर व्हीलर धोना रहता है तो वहीं पे आके धोते हैं दोस्तों, बहुत ही मजा आता है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चलते हैं नदी की ओर, और वहां पे बहुत बड़ा पहाड़ है जहां पे हम आज झंडा फहराने वाले हैं दोस्तों। तो आपको आज बहुत ही मजा आने वाला है। हम लोग दो भाई मिलकर ही झंडा फहराते हैं और रिपब्लिक डे मनाते हैं दोस्तों। तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम हर जगह गए, कॉलेज गए, स्कूल गए, पिकेट गए, लेकिन अभी सब जगह लेट है झंडा फहराने में। तो क्यों ना हम सोचे कि खुद ही झंडा फहरा के इसके बाद अपने काम काज में लग जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। आपको पता है टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट है स्कूल पिकेट हर जगह, क्योंकि अभी तैयारियाँ हो रही है झंडा फहराने का। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं दोस्तों। ये देखिए मेरे पीछे इस तरह से रोड से हम आ रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का ये ब्लॉग, जो कि आप अगर वीडियो में बने रहें तो आज आपको और भी बहुत सारे कुछ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें दोस्तों। आपको बहुत ही मज़ेदार और खास वीडियो में लाता रहता हूँ उस चैनल पे, और बहुत तरह का बेहतरीन ट्रैवलिंग ब्लॉग और हर कुछ यहाँ पे लाता रहता हूँ दोस्तों। तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं जंगल की ओर। देखिए आपको जंगल दिखाई पड़ रहा होगा पीछे पीछे, देखिए दोस्तों ये फ्रंट कैमरा से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पीछे का कैमरा थोड़ा सा वीक है, आप समझ ही रहे होंगे। वीक है, वीक भाई बन गया है ड्राइवर, जो कि चल रहा है बाइक चलाते हुए दोस्तों। और दोस्तों ये बात बता देना चाहता हूँ, अगर वीडियो में आपका क्वालिटी कम दिखे तो आप जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 1080 में देखिए या 720 में देखिए, वीडियो देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो 144 में आप नहीं देखें वीडियो, 144 में देखिएगा, वीडियो का क्वालिटी आपको मजा नहीं आएगा और आपको ब्लॉग देखने में मजा नहीं आएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं कैसे जगह में हम आ चुके हैं, बिल्कुल सन्नाटा जगह और बहुत ही मजेदार जगह में दोस्तों। ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, हमारे गांव का छोटा पहाड़ है दोस्तों। देखिए ये मेरा भाई कैसे उछल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है ना उछलने में। ये देखिए हमारा भाई यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ से लोग गुजरते रहते हैं अक्सर। यहाँ से दत्तुन लाने गया है, दत्तुन जैसा बोलते हैं, जो मुंह धोने वाला दत्तुन होता है ना, देहाती भाषा में इसको कहते हैं दत्तुन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा सीन है, कैसा नजारा है आप देख सकते हैं दोस्तों। यार इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ, और भी मजेदार चीज दिखाने वाला हूँ। ये होते हैं गाँव के जंगल, जो कि हमारे घर के जस्ट बगल में ही है दोस्तों। भी कह सकते हैं दोस्तों ये मेरा भाई आ चुका है फिलहाल झंडे का डंडा लेके। अब देखिए कितना बड़ा डंडा है दोस्तों, ऊपर से नीचे तक, ये बिल्कुल मजेदार। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ नज़ारे हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जस्ट बगल में एक नदी भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और अभी आपको नदी को पूरा व्यू दिखाऊंगा बहुत ही क्लियर से। यहाँ देखिए इस तरह से नजारे हैं दोस्तों। ये हमारा बाइक वहाँ पे खड़ा है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये सूरज निकल चुका है, 20 जनवरी है दोस्तों।
आज हम झंडा फहराने वाले हैं दोस्तों। आइए आपको मैं दिखा दूं। आज है 26 जनवरी दोस्तों, यहाँ पे हम झंडा आज ऊंचे चोटी में आके फहरा दिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नजदीक से दिखाने का प्रयास करो। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा भारत माँ का तिरंगा झंडा। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा को प्यार से इंडिया वाले। दोस्तों तो आज है 26 जनवरी 2023। दोस्तों आज हम आ चुके हैं रिपब्लिक डे मनाने के लिए जंगलों में। देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे जंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो आज हम आ चुके हैं फाइनली। देख सकते हैं दोस्तों, आज है 26 जनवरी, जो कि बहुत ही खास होने वाला है आज का इस वीडियो। 26 जनवरी को आज हम चलते हैं पिकेट की तरफ, वहाँ भी आज हम झंडा फहराने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें और बहुत ही मज़ेदार ये ब्लॉग होने वाला है। तो देख सकते हैं जैसा कि हम आज इस चोटी में झंडा फहरा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए तो दोस्तों, ये मेरी बेटी कैसे झंडा फहरा रही है देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में। ये बहुत ही शानदार झंडे फहरा रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। अरे ऊपर करो बेटा, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऐसे, हाँ ऊपर करो, वाह अभी ठीक जानी है। अरे